दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल MLM ऑडियो बुक्स हिंदी पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ राजेश अग्रवाल, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं, बेस्ट ट्रेनर अवार्ड और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कमाल किया है। आज की सक्सेस स्टोरी उन्हीं के बारे में है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजेश अग्रवाल जी कहते हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर यूपी से हैं। 1967 में वे कोलकाता चले गए थे, जहाँ मेरी पैदाइश, परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब हुई। 1991 में जब मेरी उम्र 20 साल के आसपास हुई, मेरे फादर का बिजनेस कोलैप्स कर गया, जो बैंकरप्ट हो गए थे, तो हमें रातों रात कोलकाता छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि पिताजी की लाइफ सुरक्षित नहीं थी और दिल्ली आते ही 6 महीने में उनकी डेथ हो गई। मुझे याद है पालिका बाजार में हैंगर लगाकर मैंने अपना करियर शुरू किया था। मैं टी शर्ट्स के हैंगर लगाता था और मेरा एक जुनून था लोगों से मिलना और उनसे बातें करना। तो इस तरह धीरे धीरे मेरी यात्रा आगे बढ़ी, घर की जिम्मेदारी आई और उसके बाद मैंने 2 से 4 नौकरियां बदली। मैंने 1993 में एक बहुत बड़ी कंपनी MNC में नौकरी ज्वाइन की। वहाँ मैंने बात करने के तरीके सलीके सीखे, वहाँ मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिली। मैंने ट्रेनिंग अटेंड की और जिस उस्ताद से मैंने ट्रेनिंग ली, फिर उन्हीं के साथ ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ट्रेनिंग मेरा जुनून था। 1993 से मैं ट्रेनिंग फील्ड में आ गया और 1997 में मैं ट्रेनर बन गया। मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंटरेक्शन 1993-94 के आसपास हुई थी, जब मैं नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस खोज रहा था और पहली बार मुझे पता चला कि 9 से 5 आप पेड यानी पेट के लिए काम कीजिए और 5 से 9 अपने सपनों के लिए काम कीजिए, क्योंकि इसकी शुरुआत पार्ट टाइम ही होती है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो पार्ट टाइम फुल टाइम बन जाएगा और फुल टाइम को फिर रखना या नहीं रखना ये आपके ऊपर है। जो भी बड़े नाम हैं, मैंने उन्हीं के साथ सीखा, समझा, इंटरेक्ट किया, उनके लीडर से इंटरेक्ट किया और मेरा मेन फोकस सीखने में ज़्यादा रहा। पैसे कितने कमाए उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। मुझे लगता था कि अगर लर्निंग ठीक है तो अर्निंग ठीक हो ही जाएगी। एक बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पार्ट टाइम की इनकम फुल टाइम की नौकरी से ज़्यादा हो जाएगी। इस लाइन ने मुझे सबसे ज़्यादा अपील किया। पार्ट टाइम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें धीरे धीरे आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपनी टीम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं इस इंडस्ट्री से बहुत करीब से जुड़ा रहा। अब 2017-18 से मैंने ये मिशन लिया है कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को जोड़ूँ, जिन लोगों को गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर कर पाऊँ, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे लोग आए, ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने इस अच्छी इंडस्ट्री को ख़राब किया है। तो हमारे जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि इसकी सच्चाई और इसकी गहराई को दिखाएं। जानकार ये कहते हैं कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ रुपये का व्यापार करने वाली है। तो यकीन माने मेरा 90% फोकस अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर ही है, ताकि मैं लोगों को ट्रेन कर पाऊँ और उन्हें जीरो से हीरो बना पाऊँ। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सीखते हैं, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है। हर व्यक्ति का अलग मूड है, बिहेवियर है, तरीका है। तो आपको हजारों लाखों लोगों को मैनेज करना पड़ता है, तो उनके मूड को मैनेज करते करते आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी बन जाते हैं। इस तरह पहला ग्रोथ तो आपका होता है। किसी ने कहा है कि अमीर बनना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अमीर बनने की यात्रा में आप कैसे इंसान बने ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पैशंस लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर धैर्य आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरी बात ये है कि जब आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको लाखों करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं, अपना ऑफिस रखना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लगती है एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, कमिटमेंट की इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट, और जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट,
और धीरे धीरे टीम के द्वारा आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। इसमें ना आपको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत है, ना कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत है, ना कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत है, और इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ज़मीन से आसमान तक की यात्रा तय करते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट लगा इसका। तीसरा चीज़ को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। अगर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में 40 साल काम करता है, तो अगर वो एवरेज साल का 6 लाख रुपए भी कमाता है, तो जानकार कहते हैं 40 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाता है। लेकिन वही अगर उसकी टीम बन जाती है तो वो 50,000 रुपए का रोज का इंसान बन जाता है, क्योंकि उसके उसी टाइम में लाखों लोग काम कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि अगर पैसे कमाने हैं तो समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टाइम मल्टीप्लाइकेशन का कॉन्सेप्ट इसी इंडस्ट्री में है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। इसमें ओवरनाइट सक्सेस किसी काम की नहीं है। जब कोई अनट्रेंड व्यक्ति आ जाता है, उसके दिमाग में रहता है कि आज रात से ही मेरे पास पैसे आ जाएं, और सभी जानते हैं कि एक रात में पैसे नहीं आते। सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वो है लर्निंग के मामले में, ट्रेनिंग के मामले में। वे पहले ही सिखाने में लग जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि किससे क्या बोलना है, क्या बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे शुरुआत करनी है। वो सीधा बोल देते हैं कि ये कंपनी है, ये प्लान है, तुम मेरे साथ आ जाओ। ऐसे कोई आने वाला नहीं है। हमने सालों किसी से मुलाकात नहीं की और अचानक एक दिन उन्हें बिजनेस का प्रपोजल दे देते हैं तो वो कभी नहीं आएगा। पहले तो उससे रिश्ता बनाओ। 90% पहले रिश्ता बनता है, बाद में बिजनेस होता है। आज हमारे और आपके रिश्ते सालों पुराने हैं, और मुझे जहाँ तक याद है हमने कभी बिजनेस नहीं किया है। हमारा रिश्ता ही हम दोनों को यहाँ लेकर आया है। एक रिसर्च ये बताती है कि 4 बार अगर किसी ने ना बोल दिया तो ऐसे आदमी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि पहले 20 से 21 ना तो आनी ही चाहिए, क्योंकि जितने ना आएंगे उतना आप हाँ के लिए तैयार होंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा टेलीकॉलर सुबह फ़ोन करती हैं लोन चाहिए, और हम उनको उल्टी सीधी बात बोल देते हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर कि आपकी ना पर उसको तालियां मिलती हैं। वहाँ पर नियम होता है कि अगर 10 लोगों से तुमने ना सुन लिया तो लंच फ्री मिलेगा। 9 तक तो ना मिलना है, 10वें में हाँ तो हो ही जाती है। उसने अपने ना को एक खेल में कन्वर्ट कर लिया है। ना पड़ा नेचुरल प्रोसेस है। वो ना आपको नहीं कर रहा है, किसी ने उसको धोखा दिया होगा वो ना उसको कर रहा है। तो पहले रिश्ता मजबूत करो, बिजनेस हम धीरे धीरे कर ही लेंगे। एक दिन मैंने बाथरूम में एक गाना गाया, और गाना गा के मैं कहूँ कि मैं बहुत सफल हूँ, मैं सफल नहीं हूँ, ये मेरी सिर्फ उपलब्धि है, सफलता नहीं है। जब मेरी उपलब्धि लोगों के द्वारा अप्रिशिएट होती है, जब मैं डिमांड में आ जाता हूँ अपने किसी हुनर के लिए, तब मैं सफल हुआ। ये पार्ट है सफलता का। दूसरा, अंधेरे में तीर चलाने से काम नहीं चलेगा। मोटिवेट एक गधे को भी किया जा सकता है, लेकिन मोटिवेशन के साथ अगर एजुकेशन नहीं है तो डिजास्टर हो जाएगा। मैं अगर किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ तो पहले तो मुझे सिखाना पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ, मुझे निखारना पड़ेगा उसकी पावर क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो किस दिशा में जा सकता है, कितना उसमें दम है, कितना दम भरना पड़ेगा। तो पहले तो एजुकेशन और दूसरा उसकी दिशा। अगर मैं मोटिवेटेड भी हो गया और मेरी दिशा ठीक नहीं है तो मैं पश्चिम में जाकर पूर्व से सूरज कैसे उगा दूंगा। मतलब पहले उसको सही डायरेक्शन में, सही रास्ते पर लाना है, और उसके बाद उसको मोटिवेट करना है ताकि वो स्टार्ट हो तो सही दिशा में आगे बढ़े। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो उसमें दिक्कत यही है कि जब हम किसी को चेक दिखाते हैं, इंस्पायर करते हैं या मोटिवेट करते हैं, तो ये भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई मेरे भरोसे आया है तो उसकी पावर को देखते हुए ये भी सोचे कि कैसे मैं इसको और आगे ले जाऊं। एक अपलाइन कोच या मेंटर का सबसे बड़ा पावर है प्रॉपर चार्ट देना, सक्सेस का प्रॉपर स्टेप देना, तब वो अच्छे से सही दिशा में जा पाएगा। तो सक्सेस को अगर हम समराइज करें तो सक्सेस में 2 चीज़ें हैं, सही सोच और सही दिशा इज इक्वल टू सक्सेस।
इस काम के लिए सबसे पहले तो जबरदस्त पैशन होना चाहिए और किसी भी तरीके की नकारात्मक आवाज़ें नहीं सुननी चाहिए। नकारात्मक लोगों के साथ बैठना भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये इंडस्ट्री देखी नहीं, जो सफल हुआ ही नहीं, वो आपको इसके बारे में क्या बताएगा। 90% पैशन काम करता है, उसके बाद दूसरा आता है प्रोडक्ट की जानकारी, मार्केटिंग प्लान की जानकारी, प्रोसेस की जानकारी। तीसरा आपको अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करने होते हैं। सबसे बड़ा काम है ये इस इंडस्ट्री में, यानी अपनी जीरोक्स कॉपी, और वो कितनी जल्दी हो ये आपके हुनर पर डिपेंड करता है और लेने वाले पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। हमारा एक 3 वर्ड का फॉर्मूला है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। ये दुनिया भर में पॉपुलर फॉर्मूला है। मैं ये मानता हूँ कि आप कितने भी बड़े लीडर क्यों न बन जाएं, हमेशा धरातल पर ही रहना चाहिए। आपको खुद फ़ोन रिसीव करना चाहिए, आपको डाउनलाइन से बात करना पड़ेगा। आप कितने भी अमीर क्यों न हो जाएं, ज़मीन से कटेंगे तो फेल हो जाओगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे जहन में जो घटना आ रही है वो है 1992 की। मैं 1992 में एक बहुत बड़ी MNC कंपनी में नौकरी करता था, और चूंकि उस समय आर्थिक यानी फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ करता था कि मैं कभी कभी चीज़ें भूल जाता था, तो मेरी एक सीनियर थी जो मुझसे कहती थी, राजेश मैं लिख के दे रही हूँ, इस जन्म में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूँ। तो जब मैं उस कंपनी से निकल गया, ट्रेनिंग में आ गया और मैं 1997 में ट्रेनर बन गया, तो 2011 में मुझे एक बहुत बड़े प्रोग्राम के लिए बुलाया गया दिल्ली में, जहां सारी MNC कंपनीज की सेक्रेटरीज आई, और कॉर्नर में वो भी बैठी हुई थी। वो अपने किसी दोस्त से कह रही थी कि शायद मैंने इस इंसान को कहीं देखा है, मैं तो पहचान गया, वो नहीं पहचान पाई। तो मैंने सोचा कि इनकी दुविधा मैं जरा सॉल्व कर देता हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ही मैंने कहा, मैडम थैंक यू आने के लिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। उन्होंने कहा, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैंने कहा, जी हाँ, आप मेरी बॉस हुआ करती थी और आपकी गाइडलाइन में ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। यकीन मानिए उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे हक किया, सबके सामने बोला कि ये मेरे लिए मिरेकल है। जिस इंसान को मैंने अपने सामने देखा, ग्रूम किया, हो सकता है कि इसको मैंने झाड़ा भी हो, और आज वो मुझे ट्रेनिंग देगा। ये मेरी जिंदगी की एक यूनिक घटना है। हमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमें थोड़ा सा चैलेंज करता है या अंडर एस्टिमेट करता है, तो उसे एक पॉजिटिव सेंस में ले, उसे कारण बना ले कि अब मुझे इसलिए कामयाब होना, क्योंकि जो इन्होंने बोला है मुझे उसके विपरीत कुछ बड़ा करके दिखाना है। इस बात पर मेरी कविता के 2 लाइन हैं, शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का, शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का, यही मौका है मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार दिखाने का, यही मौका है मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार दिखाने का। मेरे उस्ताद कहते थे कि अगर कोई फिक्र करता है तो आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, तो उन्होंने मेरी स्पीड बढ़ाई। आज मैं जहां भी हूं उन लोगों की वजह हूं जिन्होंने मुझे किक किया, जिन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसलिए आया क्योंकि लोगों ने कहा कि राजेश जी मोटिवेशनल देना बड़ी अलग बात है, लेकिन नीचे उतरकर काम करना अलग बात है। मैंने कहा, उतर के देखते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस इंसान का जिन्होंने मुझे चैलेंज किया। ये कविता सबसे करीब है मेरे, जो हमारे इंडस्ट्री के लिए भी बिल्कुल फिट बैठती है। आइए गौर से सुनते हैं। मेरे हालात पर हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे हालात पर हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे हालात पर हंसने वाले ये ना सोच कि मैं कमज़ोर हूँ, ये तो बस वक्त की बात है कि कभी दिन है तो कभी रात है। भाई जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो कमज़ोर ना पड़ें, ये तो बस वक्त की बात है कि कभी दिन है तो कभी रात है। अभी सूरज निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है, और मुर्गे का बांग देना अभी बाकी है, और इस काली रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मुझसे कह रही है, हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा तुम्हें आजमा रही हूँ, यही तो खेल है ना कि जब आपको ना मिले। उस रात को जब आप सोएं तो आप याद रखें कि सुबह सूरज निकलने वाला है। हिम्मत ना हारना, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा तुम्हें आजमा रही हूँ। आईने मेरे अपने तमाम नेटवर्क मार्केटिंग के एसोसिएट्स के लिए, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो,
याद रखना, रास्ता कितना भी कठिन हो पर सच्चाई का साथ ना छोड़ना, और तूफान कितने भी आ जाएं अपने सिद्धांतों को ना छोड़ना। मेरे हालात पर हंसने वाले ये ना सोच ले कि मैं कमजोर हूँ, ये तो बस वक्त की बात है कि कभी दिन है तो कभी रात है, ये तो बस वक्त की बात है कभी दिन है तो कभी रात है। दोस्तों, ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।